दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे कमाल के टूल्स जिन्हें देखने के बाद आप वाकई हैरान रह जाएंगे। और आखिरी वाला टूल तो बेहद कमाल का होने वाला है, जिसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 14, प्रॉक्स कॉर्डलेस सेंडर। सैंडिंग मशीन का इस्तेमाल होते हुए पहले आपने काफी बार देखा होगा, जहां पर एक ग्राइंडर की मदद से एक सैंडिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज को अच्छी तरीके से रगड़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां पर आप उन तरीके के सेंडर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर आपके लिए काम में आएगा इस तरीके का सेंडर, जो कि एक तरीके का बेल्ट सेंडर होता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें सेंडर की एक बेल्ट लगी होती है, जो कि काफी तेजी के साथ रोटेट होती है। इसका इस्तेमाल आप लोहे, स्टील या फिर लकड़ी के पाइप्स में भी आसानी से कर सकते हैं, खासतौर पर जहां पर वेल्डिंग की जाती है, उसके बाद सैंडिंग कर दी जाती है, जिससे कि दूर से दिखाई न दे। वहाँ पर इस तरीके का सेंडर काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप घर में रेलिंग वगैरह लगवा रहे हैं तो वहाँ पर पाइप्स के जॉइंट्स में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जॉइंट्स आपके बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो काफी यूजफुल गैजेट रहता है, जो कि वेल्डिंग वर्क्स और कारपेंटिंग के दौरान काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 13, स्ट्रेट नाइट प्रो क्रिम्प। अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसका इस्तेमाल खास तौर पर फेंसिंग के दौरान किया जाता है, क्योंकि जब भी मोटे मोटे तार होते हैं उन्हें कसना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन इस टूल से इस काम को बड़ी ही आसानी से किया जा सकेगा, क्योंकि जो भी क्रिम्स होती हैं उसको टाइट करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। दोस्तों इसमें आपको मल्टीपल सेटिंग्स दे रखी होती है क्रिम्स को एडजस्ट करने की, बस आपको क्रिम्स में इसे लगाना होगा, जिसके बाद आप इसे मैन्युअली भी टाइट कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटेड तरीके से अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका काम चुटकियों में कर देगा। इस तरीके से फेंस को टाइट करने के लिए टूल बेहद कॉमन सा भले ही नजर आ रहा हो, लेकिन ये आपके काम को काफी फास्ट बना देता है, क्योंकि इससे तारों को टाइट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। नंबर 12, हैमर फिस्ट। बात अगर हैमर की हो रही हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ख्याल आता है एक ऐसे हथौड़े का, जो कि एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल का होता है। लेकिन अब जो हैमर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी अलग रहेगा किसी भी ट्रेडिशनल स्टाइल के हैमर से। जी दोस्तों, ये एक तरीके का हैंडल जैसा लगता है, जिसमें पकड़ने के लिए आपको एक हैंडल दे रखा होता है, जिसके निचले हिस्से का इस्तेमाल आप एक हैमर के तौर पर कर सकते हैं। ये एक तरीके का मल्टी टूल गैजेट भी होता है, जहां पर आपको बॉटल ओपनर, कैन ओपनर के भी फीचर्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप इससे कई तरीके के काम ले सकते हैं। वहीं सिंपल और फ्लैट स्केल होने की वजह से इसका इस्तेमाल आप एक छोटे से स्केल की तौर पर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाइन वगैरह खींचने में काफी आराम रहेगी। और एक कारपेंटर के लिए ये गैजेट काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे वो काफी सारे काम कर सकते हैं अपने रूटीन वर्क में। तो गैजेट भले ही छोटा सा नजर आ रहा हो, लेकिन काफी ट्रेडिशनल स्टाइल से हटकर रहता है, जिसके लिए एक लाइक इसको मिलना चाहिए। नंबर 11, हिल्टी मल्टी टूल। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा कॉर्डलेस टूल रहता है, जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीकों से कई जगह पर कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरीके का ग्राइंडर होता है, जिसमें कि आप अलग अलग तरीके के ब्लेड्स लगा सकते हैं, फिर चाहे कटिंग ब्लेड हो या फिर सैंडिंग वाला, इसका इस्तेमाल आप जहां पड़े जैसी जरूरत वहां पर कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपको छोटे छोटे ब्लेड्स के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि कारपेंटर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे, जिससे कि लकड़ी की घिसाई का काम वो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कारपेंटिंग के अलावा और भी अलग अलग तरीकों से अलग अलग कामों में किया जा सकता है। तो एक तरीके का कमाल का मल्टी टूल गैजेट है ये, जो कि आपकी काफी सारे टूल्स की जगह ले सकता है, और कॉर्डलेस होने की वजह से इसे आप जहां चाहें फ्रीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 10, सौ पैक प्योर स्प्रे। रोड के बनने के बाद उस पर लेन्स को डिजाइन किया जाता है, जहां पर एक सफेद कलर की पट्टी से लेन को डिवाइड किया जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो इसके लिए एक बड़ी सी मशीन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि लिक्विड को अच्छी तरीके से गर्म करके रोड पर पेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस काम को करने के लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके की छोटी सी मशीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अपने काम को बखूबी कर सकती है। इस मशीन की खास बात यह है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, और इसमें निचले हिस्से में एक स्प्रेयर लगा होता है, जो कि व्हाइट कलर को स्प्रे कर देता है रोड पर या फिर जहां पर भी आप चाहें, जिसके बाद आप अलग अलग तरीके के काफी सारी वगैरह को बना सकते हैं। कमाल की बात इसमें ये भी रहेगी कि इसके स्टोरेज टैंक में आप जिस तरीके का कलर चाहें उसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको येलो चाहिए, रेड चाहिए या फिर व्हाइट चाहिए, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कलर को फिल कर पाएंगे। तो ये एक ऑप्शन इसमें और भी देखने को मिल गया है। वही इसे किसी भी भारी भरकम मशीन की तुलना में ऑपरेट करना बेहद आसान होता है, जो कि मुझे भी पर्सनली बेहद इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 9, फ्लिंट स्पैन मेसर। लकड़ी के जो छोटे छोटे गुटके वगैरह होते हैं या टुकड़े होते हैं, या फिर अगर किसी बोर्ड को अगर आप देख लें तो उसे अगर आपको दो हिस्सों में ब्रेक करना हो तो अच्छी खासी दम लगानी पड़ती है, और आपको एक ऐसी कुल्हाड़ी की भी जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप ये काम कर पाए। ये काम करने में आपको काफी समय भी लग जाएगा और थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, जिसमें चोट लगने का भी खतरा रहता है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, तो ये आपके काम को चुटकियों में कर पाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा कटर होता है जिसे कि आप कहीं भी दीवार पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके कटर की खास बात ये रहती है कि इसमें आप किसी भी साइज को लकड़ी को लगाएंगे और
और एक बार जैसे इसे नीचे की तरफ पुश करते हैं तो वो उसे फौरन दो हिस्सों में ब्रेक कर देगा। इस कटर में एक चीज आपको और भी देखने को मिल जाती है कि इसमें आपको अलग अलग स्टेजेस की ग्रिप दे रखी होती है, जिसमें की लकड़ी को फंसाना काफी आसान हो जाता है, जिससे कि आपको अच्छी खासी ताकत लगाने के लिए भी बैलेंस मिल जाता है और आप तेजी के साथ इसके ब्लेड को पुश कर पाएंगे। तो ये गैजेट भले ही थोड़ा सा सिंपल सा नजर आ रहा है, लेकिन वाकई काफी यूजफुल रहेगा। नंबर 8, पीवीट प्रो टूल। किसी भी फ्लैट सरफेस पर सीढ़ी यानी कि लैडर को लगाकर आप आसानी से खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको हल्का सा स्लोप मिलता है, जहां पर आप सीढ़ी को नहीं लगा सकते हैं, और ऐसी जगह पर अगर आपको सीढ़ी लगाकर काम करना पड़े तो काफी रिस्की सिचुएशन बन जाती है। ऐसे में आप बैलेंस बनाने के लिए या तो कुछ न कुछ नीचे से सपोर्ट देते हैं, जो कि काफी रिस्की होता है, और अगर सीढ़ी इस पर फिसल जाती है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए खासतौर पर इस तरीके के टूल को बनाया गया है, जो कि इस काम को करने में बखूबी एक्सपर्ट है। जी दोस्तों, इस तरीके की टूल की खास बात यह है कि ये एक तरीके का ट्रायंगल टूल होता है, जिसके एंगल को आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसका नॉन स्लिपी सरफेस आपको अच्छी खासी ग्रिप देता है, जिसमें कि आप सीढ़ी को भी अच्छी तरीके से लगा पाएंगे, और कहीं ऐसी जगह है जहां पर आप सीढ़ी नहीं लगा सकते हैं तो वहां पर भी आपको ये फ्लैट सरफेस देगा, जिसमें कि सीढ़ी आसानी से लग जाएगी। तो काफी कमाल का और काफी जरूरतमंद ये टूल होता है, जिसकी जरूरत हर घर में कभी न कभी तो पड़ ही जाती है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा स्लोप है जहां पर सीढ़ी लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा ये बात। नंबर 2, रेमोंडी। अब जो टूल आप देख रहे हैं उसे खास तौर पर बनाया गया है बड़ी बड़ी साइज की टाइल्स को उठाने के लिए, या फिर अगर कोई बड़े साइज का ग्लास है जिसे कि आप नॉर्मली नहीं उठा सकते हैं, उसे उठाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का ग्रिप हैंडल होता है, जो कि टेलीस्कोपिक फीचर के साथ आता है, यानी कि इस हैंडल के साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। इसमें आपको चारों तरफ सक्शन कप्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको बेहतरीन ग्रिप देते हैं, जिससे कि टाइल्स हो या फिर ग्लास वगैरह आप इसे आसानी से उस पर अटैच कर सकते हैं और उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन में भी काफी हेल्प करता है, जिससे कि आप टाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पिक कर पाएंगे, और साथ ही अगर आप कहीं ग्लास वगैरह फिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर इस गैजेट की मदद से आप उसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा यूज में आने वाला टूल है, जिसकी जरूरत कभी ना कभी तो कंस्ट्रक्शन के दौरान पड़ती ही है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के टूल को इस्तेमाल करना, तो ना सिर्फ ग्लास और टाइल्स को उठाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि छोटी छोटी चीजों को और भी उठाने में ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। नंबर 6, माइल्स क्राफ्ट ग्रैबर। कारपेंटिंग का काम काफी रिस्की होता है, क्योंकि अक्सर लकड़ी को ग्राइंड करते वक्त आपको अपने हाथों को ब्लेड के काफी नजदीक ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही आप लकड़ी को अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाएंगे और ग्राइंड कर पाएंगे। इस रिस्क को कम करने के लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके के हैंडल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक तरीके का ग्रैब हैंडल होता है, जिसे कि खास तौर पर लकड़ी के लिए बनाया गया है। इस हैंडल की खास बात यह होती है कि इससे आप लकड़ी को अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं और उसे आगे पीछे मूव भी करा सकते हैं इस हैंडल को सेटअप करने के बाद, जिससे कि ग्राइंड करते समय आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो एक तरीके से ये को मैनेज करता है, अगर आप भी ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर आपके हाथ पे काफी ज्यादा नजदीक चले जाते हैं ब्लेड के पास, तो आप इस तरीके के ग्रैब हैंडल को यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। नंबर 5, गिस्मर नर्वल। अब जो मशीन आप देख रहे हैं उसे खास तौर पर बनाया गया है रेलवे टेक्नीशियंस के लिए। जी दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो पटरी को आपस में जोड़ने के बाद उसे दो तरीके के बोल्टों से टाइट कर दिया जाता है, और वो बोल्ट ही एक पटरी को दूसरी पटरी से जोड़े रखने का काम करते हैं, जिसके लिए खास तौर पर इस तरीके के टूल की हेल्प ली जाती है, क्योंकि पटरी में छेद करना कोई आसान बात नहीं होती, और पटरी का लोहा काफी ज्यादा हैवी होता है, जिस पर ड्रिलिंग आप जनरली नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस तरीके के टूल को इस काम के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज तरीके से इस काम को कर सकता है। इस मशीन को पहले तो पटरी उस हिस्से पर टाइट कर दिया जाता है जहां पर भी आपको ड्रिल करना है, और ये फिर एक्यूरेसी के साथ ठीक उसी जगह पर ड्रिल करता है जहां पर पटरी में ड्रिल होना चाहिए, जिससे कि दोनों पटरी को आपस में जोड़ने में आपको हेल्प मिले। तो इस तरीके से इस काम को काफी तेजी के साथ किया जा सकता है, लगभग 12 से 60 सेकंड के बीच में आप किसी भी तरीके की पटरी में ड्रिल कर सकते हैं। तो इस गैजेट को खासतौर पर रेलवे यूज पर्पस बनाया गया है, जो कि वाकई काफी ज्यादा मजेदार रहता है। नंबर 4, प्राइमो। घरों में वायरिंग का काम होते हुए कभी न कभी आपने जरूर से देखा होगा, और इस बात का भी अंदाजा होगा कि ये वायरिंग का काम कितना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो आपको स्टील वायर को पाइप के एक छोर से एंटर कराना पड़ता है, और दूसरी तरफ से बाहर निकालने के लिए आपको कई बार वायर के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है, तब वो जाके बाहर आता है। इस काम को करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस गैजेट का, तो ये काम बड़ी आसानी से कर देता है, क्योंकि इसमें स्टील वायर के बजाय एक बड़े ही फ्लेक्सिबल वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी तेजी से पाइप के अंदर चला जाता है। इसके साथ आपको एक मोटर भी लगी हुई देखने को मिल जाती है, जो कि को पिरोने का काम करती है, और जैसे ही आप वायर को पाइप के एक छोर से एंटर कराते हैं और प्रेस करते हैं इसकी बटन को, तो फौरन दूसरे छोर पर आपका ये वायर पहुंच जाता है, जिसे कि आप बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि काम बहुत ही तेजी के साथ ये करता है, जिससे कि वायरिंग का काम बहुत ही तेजी के साथ किया जा सकेगा। बस आपको फिर वायर को अंदर डालने का काम करना होता है, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से वायरिंग के काम को बेहद आसान बना देता है इस तरीके का गैजेट, जिसकी जरूरत मुझे लगता है कि हर कंस्ट्रक्शन के दौरान पड़ती ही है।
नंबर थर्ड, रिगिड पाइप रिमर्स। दोस्तों, जो भी लोहे के पाइप होते हैं उन्हें अगर आप आपस में जोड़ने जा रहे हैं तो उनकी जो एजेस होती हैं उनको हल्का सा आपको घिसना पड़ता है, जिससे कि किनारे हल्के से पैने हो जाएं और पाइप आपस में जुड़ जाएं। इस काम को करने के लिए आप इस तरीके के टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक तरीके का ब्लेड ही होता है। इस ब्लेड से आप आसानी से किसी भी साइज के पाइप को घिस सकते हैं। इस ब्लेड को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये किसी भी साइज के पाइप में आसानी से एंटर कर जाता है, जिसके बाद आप जैसे भी चाहें इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस टूल को खास तौर पर पाइप रिमिंग्स के लिए बनाया गया है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक बनता है। नंबर सेकंड, मैक्लोराय पॉलीपॉटर। दोस्तों, जो बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं उनमें जो पाइप से इस्तेमाल किए जाते हैं वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं और हार्ड होते हैं, और ऐसे में अगर आपको पाइपलाइन शिफ्ट करनी पड़ जाए या फिर पाइप को आगे पीछे करना पड़ जाए तो काफी मुश्किल होती है। ऐसे काम के लिए इस तरीके के टूल को बनाया गया है, जो कि खास तौर पर पाइप मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेगा। इसमें आपको एक छोटी सी मैकेनिकल जैक देखने को मिल जाती है, जिससे कि पाइप को आप ऊपर नीचे आसानी से उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसका सरफेस थोड़ा सा स्लिपरी बनाया जाता है, यानी कि इसके ऊपर अगर आपने पाइप रखा है तो आप उसे आगे पीछे खिसका भी सकते हैं। वहीं इसके निचले में आपको व्हील्स लगे हुए देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि पाइप की शिफ्टिंग में भी आपकी काफी हेल्प करेगा। तो एक तरीके का मल्टीपर्पस में यूज में आने वाला टूल है, जो कि खास तौर पर पाइप मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है। नंबर वन, मैल्को शीट कटर। किसी भी मेटल शीट पर अगर गोल होल करना हो तो काफी मुश्किल हो जाती है इस काम में, क्योंकि अगर आप नॉर्मल किसी भी ग्राइंडर से इस काम को करते हैं तो आपका जो होल होगा वो उतना ज्यादा गोल नहीं रह जाता है, क्योंकि काफी सारे कट्स लग जाते हैं और ऐसे में ना तो वो देखने में अच्छा लगेगा और ना ही वो किसी काम का होगा। लेकिन इस तरीके के टूल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं आप अपने नॉर्मल ग्राइंडर या फिर ड्रिल मशीन के साथ, तो ये गोल होल करने में आपकी काफी हेल्प करता है। इस टूल की खास बात ये होती है कि इसके एक हिस्से में बिट लगी होती है और दूसरे हिस्से में आपको एक कटआउट दे रखा होता है, जहां पर आप अपनी नॉर्मल ड्रिल मशीन को इंसर्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको एक गोल होल करना होता है तो बस इस टूल के साथ अपनी ड्रिल मशीन को अटैच करके इस टूल को चारों तरफ घुमा दीजिए, जिसके बाद आपका काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एकदम सर्कल में होल मिल जाता है इस गैजेट की मदद से, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको ये गैजेट कैसे लगे हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।